फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर आपको स्पीकर से, यहाँ पर मोबाइल है एलजी का, एलजी के मोबाइल से यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के द्वारा कैसे आप सो कनेक्ट करेंगे, आपको स्पीकर भी किसी भी स्पीकर में कैसे आप कनेक्ट कर पाएंगे, यही मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है A to Z टिप्स ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार और कह चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, इसको ऑन करके कहीं भी आप यहाँ पर ऑडियो वीडियो जो सुनेंगे वहाँ पर स्पीकर में काफ़ी अच्छे से सुन पाएंगे। और तो इसके लिए आपको कनेक्ट करने के लिए सेटिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको प्रोक्योर स्क्रॉल करना है, और यहाँ कनेक्टेड डिवाइस का ऑप्शन है, डिवाइस, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पेयर न्यू डिवाइस, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर पेयर न्यू डिवाइस में यहाँ पर डिवाइस का नाम आ जाएगा, और पहले इसको छोड़ते हैं, उसके बाद हम इसको ऑन करेंगे। तो ये अभी ऑफ है ताकि कनेक्ट हो पाए। तो यहाँ से ब्लूटूथ पहले तो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है, फिर यहाँ पर ब्लूटूथ का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है कनेक्ट करने के लिए। देखिए अभी मैंने ऑन कर दिया है, ऑन हो चुका है ये। आपको दो चीज़ इस पर क्लिक करना है, एंड ब्लूटूथ का इस पर यहाँ पर निशान दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ओके, तो ये ऑन हो चुका है। अब इसका जो नाम है इसमें आ जाएगा, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसका नाम जो है इस डिवाइस में आ चुका है, बस आपको इसको ऑन करना है, इसका नाम इसमें आ जाएगा, उस पर कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है। ये पेयर बन चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कनेक्ट हो रहा है डिवाइस, उसके बाद हाँ जी फ्रेंड्स, जो पेयर बन जाता है उसके बाद आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको पेयर पर क्लिक कर देना है, ठीक है, और इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब ये इससे कनेक्ट हो चुका है, आपको दिखाती हूँ मैं ऑन करके। देखिए इसको बैक करना है आपको, तो इसको बैक करते हैं और किसी वीडियो को आपको चला के दिखाते हैं। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये वीडियो, इस पर क्लिक कर देते हैं। देखिए इसमें आवाज़ भी आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आवाज़ आपको तेज कर बताती हूँ। यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे आप तो आवाज़ तेज हो जाएगा, दिखाते हैं आपको। तो ऐसे आप कनेक्ट कर पाएंगे और इसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो काफ़ी यूजफुल है। आपको माइनस करना है, आवाज़ कम करना है, तो उस पर क्लिक करना है। ये देखिए, तो जो ये आवाज़ जो है यहाँ से आप कम ज़्यादा कर पाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं आपको, ये देखिए कम कर पाएंगे आप। तेज करना, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो ये तेज हो जाएगा, ये देखिए। तो यहाँ से आप चाहे तो कनेक्ट करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे फ्रेंड्स कनेक्ट करके। अब आपको बंद करना है, तो कैसे बंद करेंगे आप, वीडियो को स्टॉप करना है, तो ये बंद हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिसकनेक्ट करना है आपको, ये तो ऑन हो चुका है। अगर आपको डिसकनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लूटूथ, इस पर लॉन्ग प्रेस करना है, इसकी सेटिंग पर आप शॉर्ट फॉर्म तरीके से पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। सेटिंग में आपके सामने, यहाँ पर फ्रेंड्स सेटिंग में आपके सामने सेकंड इंटरफेस आएगा, और डिसकनेक्ट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए इस पर क्लिक कर देंगे आप तो डिसकनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डिसकनेक्ट कर सकते हैं। अगर इसको हटाना है तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर इसे हटा भी सकते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे आप तो यहाँ से हट जाएगा। और कभी फिर से आपको पेयर बनाना हो, कभी इसको इस्तेमाल करने किसी भी डिवाइस में आपको कनेक्ट करना है, तो इसी तरीके से कनेक्ट हो जाएगा। चाहे आप इसकी बात करें या यहाँ पर स्पीकिंग, यहाँ पर आपको हेडफोन की बात करें, तो किसी से भी कनेक्ट करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।